सच में गाइस, टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा। सच में बोलूँ तो मेरे को ये जब से मेरे को ये कांड हुआ ना, कौन सा कांड, जब से हम लोग गिरे हैं, जब से मेरा फ़ोन गया है ना, तब से यूट्यूब पे थोड़ा भी ध्यान नहीं जाता है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया नहीं हो गया। अभी रिसेंटली मेरे को 3-4 स्टूडियो वाला भी कॉल किया था, भैया आइए ना, उद्घाटन है ये वो, तो मैं उनको मना कर दिया, मन नहीं करता जाने के लिए। पता नहीं क्या हो गया, वो भी पहले जैसा एनर्जी नहीं है। रात दिन कुछ नहीं देखते थे, बस एक कॉल आता था भाग जाते थे, वो वाला एनर्जी मैं चाहता हूँ फिर से आए, पर नहीं आता है। क्या करूँ गाइस, नहीं करूँ। मैं सोचा बना दूँ वीडियो, आप लोग को भी बता दूँ। देखते हो ना, आप लोग देख ही रहो, यो अब कहाँ आ रहा है, कुछ नहीं आता। पहले तो कुछ भी तो करता था ना भाई, हफ्ते में 1-2 वीडियो, 3 वीडियो डाल ही देता, या किसी का इंटरव्यू या कोई स्टूडियो का प्रमोट कर ही देता था। अभी देख ही रहो यूट्यूब कितना शांति से बैठ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे को मन नहीं करता, मन नहीं लगता इस चीज़ों में अभी, पता नहीं क्यों। आप लोगों को पता है कुछ? मेरे को तो रीज़न पता नहीं है, बस घर पे खाता हूँ, सोता रहता हूँ बस, और दोस्तों आते हैं उन लोगों के साथ घूमता हूँ, टाइम पास करता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। पहले तो कुछ भी नहीं गाइस, एक कॉल आता था, हाँ भैया विष्णु बोल रहा हूँ, हाँ मैं विष्णु बोल रहा हूँ, भैया ये स्टूडियो पाइए ना, प्रमोट करना है, तो मैं चले जाता था। रात दिन कुछ नहीं देखता था मैं, अपने बेबी को निकालते थे और निकल जाता था मैं भी साथ में। पर आजकल बहुत सोचता हूँ, पता नहीं, और सोचता हूँ पर मन नहीं करता है कुछ करने का। अभी यूट्यूब पे जितना मैं पहले 3-4 महीना पहले देखो ना, क्या फोकस करता था मैं यूट्यूब पे, फुल टाइम एक फुल टाइम लेकर जाता था यूट्यूब पे, और हफ्ते में 2-3 और स्टूडियो सिंगर किसी का ना किसी का मैं यूट्यूब पे डाल ही देता था। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ पता नहीं, कुछ रीज़न नहीं है। 9 तारीख को मेरे को पता चल जाएगा क्या करना है, चेन्नई जाना है या घर पे ही रहना है या मेला का बाद ही जाना है। मैं बोल रहा हूँ चेन्नई जाना है पर मैं ही नहीं जाता हूँ, पर 9 तारीख को कंफर्म पता चल जाएगा क्या है करके। और मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ यार, पता नहीं क्यों नहीं मन लग रहा है यार। आप लोगों को कुछ पता है, आइडिया है तो मुझे कमेंट करो यार। मेरे को फिर से विष्णु बिहारी बनना है यार, जैसे मैं पहले 3-4 महीना पहले मेहनत करता हूँ ना, फिर से वैसे ही मेहनत करना है यार, और सबको इंटरव्यू लेना है यार। पहले अपन क्या जोश में थे, क्या जुनून में थे कि हाँ भाई करना है, कुछ तो करना है, और सबका इंटरव्यू लेना है भाई, सबका इंटरव्यू लेता था, कितने कितने दूर तक जाता था पता नहीं, पर अभी आजकल होता नहीं यार। आप लोग कमेंट करो और मुझे बताओ क्यों नहीं होता है, क्या है वो, क्या कमी आ गया मेरे में। सब लोग लिखो, कमेंट करो और लाइक करो। आप लोग एक लाइक करते हो ना, वही मेरे लिए लगता है जोश और जुनून हो गया। इसके लिए ये वीडियो को पूरा शेयर करो ना करो, पर लाइक करो, जितने लोग भी देख रहे हो ना लाइक करो, और अपना विचार बताओ क्या हो गया मेरे को, पहले जैसे क्यों नहीं हो विष्णु। पहले तो दिन रात कुछ नहीं देखता था, पहले तो 1-2 दिन तक रही किसी के घर पे भी रह जाता था, पहले आता ही नहीं था घर पे मैं अपने, 3-4 दिन के बाद आता था घर पे। पर वो वाला अभी हो नहीं रहा है अपने से, कहीं पर भी कॉल आता था तो डायरेक्टली मना करता हूँ और कॉल अटेंड नहीं करता हूँ। पहले किसी का कॉल का वेट करता था भाई, कौन कॉल करे ना करे, आजकल तो कॉल आता है पर काम नहीं करता हूँ। पता नहीं कुछ तो हो गया है, घर पे भी सपोर्ट तो नहीं करता है, फिर भी घर पे तो मना लेता हूँ कैसे तैसे करके। मेरे अंदर जो इच्छा रहता है ना, वो करना है तो मैं कर लेता हूँ, भले कोई भी बीच में आए, मैं किसी का भी नहीं सुनता, बस अपना सुनता हूँ। पर अपने अंदर ही मेरे को 10-20 दिन से कुछ करने का मन नहीं आ रहा है, तो दूसरे को क्या करूँ मैं, दूसरे को क्यों इसमें इन्वॉल्व करूँ या दूसरे को क्यों बदनाम करूँ। इसके लिए मेरे अंदर भी कमी था, वीडियो नहीं आता बराबर, बहुत ही प्लान किया था, बहुत ही ये यूट्यूब विष्णु विहारी यूट्यूब चैनल लेकर बहुत ही प्लान किया था, बहुत ही बड़ा बड़ा सपना देखा था, कहीं ना कहीं अभी लग रहा है मेरे को वो सब अधूरा ना हो जाए भाई। तो आप लोग कमेंट करो, लाइक करो यार, कुछ ना ऐसे इस वीडियो में मेरे को जोश जुनून दिखाओ कि फिर से मैं विष्णु बिहारी बनूं और सबका इंटरव्यू लूं। आप लोग कमेंट करो, अपना विचार डालो और मेरे को फिर से वो पावरफुल विष्णु बनाओ, तभी मज़ा आएगा यार। ये वीडियो सब इसलिए बना के डालता हूं कि आप लोग कुछ बोलोगे, कुछ करोगे, लाइक करोगे, कुछ अपना विचार डालोगे, तो फिर से मेरे अंदर वो कमेंट देखकर या पढ़कर वो फिर से जोश जुनून आना चाहिए, आए तो फिर से मैं काम करूं और आप लोग को फिर से वही विष्णु बिहारी दिखूं और वही सबका इंटरव्यू लूं
और अपने मिथिलांचल को आगे लेकर जाना है, ये सब बोलता था मैं हर वीडियो में। अभी धीरे धीरे पता नहीं क्यों हो गया, बस सैर करना था कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं सोचा आ रहा हूँ। अभी देखो बस शांति ही शांति शांति है, तो बस यही था, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। तो इसके लिए लेंथी नहीं लेकर जाना वीडियो, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, बस अपना कमेंट करो और बताओ कि क्यों नहीं मन लग रहा है भाई, और अपना जो भी है ना रीज़न बताओ मेरे को। बस फिर मिलते छोटे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।